श्वास छोड़ते पीछे श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते पीछे श्वास भरते हुए आगे, कंटिन्यू। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। थोड़ा सा गोल गोल घुमाएंगे कंधे को, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिवर्स पीछे से आगे लाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। साइड टू साइड थोड़ा सा नेक मूवमेंट करेंगे हम। रिलैक्स, दोनों हाथों को ट्विस्ट करेंगे अपने आप को, श्वास छोड़ते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। जाएंगे हम ऊपर श्वास भरेंगे, नीचे आएंगे श्वास छोड़ेंगे, वन खींचेंगे अधिक से अधिक, टू और खींचेंगे, थ्री रिलैक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। एंकल थोड़ा सा रोटेट करेंगे, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना?
कंटिन्यू। कंटिन्यू करते रहे। Thank you.
पानी पी सकते हैं थोड़ा सा? Thank you.
रेस्ट करेंगे अभी। कंटिन्यू। रिलैक्स। चलते रहिए।
रेस्ट। ओके खींचेंगे। दूसरी साइड सूर्य नमस्कार, नमस्कार मुद्रा। पहले देख लीजिए, ऊपर लेकर जाएंगे, खींचते हुए पूरी तरह से खींचते हुए जाएंगे। उत्कटासन खींच लेंगे, अपनी नी बैंड कर लेंगे थोड़ा सा। आएंगे पादहस्तासन, कूदते जाएंगे पीछे, पोजीशन में जाते ही चतुर्दंडासन, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग आगे, वीरभद्रासन, अगेन पर्वतासन, फिर कूदते हुए कम अप जाएंगे हम। उत्कष्टासन, हस्तानासन, नमस्कार। ये एक हुआ, अभी आपको इसी को ही दोहराना है और देखते रहेंगे आप, देखकर फॉलो कीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव जंप। नाइन टेन जंप। उत्कष्टासन, हस्तानासन, नमस्कार, रिलैक्स। अगेन वन टू थ्री फोर जंप, फाइव सिक्स सेवन, राइट लेग, एट। इसी में ही थोड़ा सा वेरिएशन, अगेन वापस वीरभद्रासन, एट जंप, उत्कष्टासन, नमस्कार, रिलैक्स। अगेन नमस्कार, हस्तानासन,
उत्कष्टासन, पादहस्तासन, जंप बैक, चतुरंग दंडासन, भुजंगासन, पर्वतासन, लफ लफ, वीरभद्रासन, इसी में वेरिएशन। जम्प अप, अगेन, नमस्कार, हस्तानासन, उत्कष्टासन, पादहस्तासन, जंप, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग आगे, वीरभद्रासन, वेरिएशन। यहीं पे मोड़ लेंगे हम, राजकपोतासन, एंड रिलैक्स, वीरभद्रासन, कम अप, उत्कष्टासन, हस्तानासन, नमस्कार, रिलैक्स, अगेन, नमस्कार, हस्तानासन, उत्कष्टासन, पादहस्तासन, जंप, चतुरंग दंडासन, कोबरा पोज, अधोमुखासन, लेफ्ट लेग, वीरभद्रासन, वेरिएशन। एंड इसी पैर को इसी तरह डाउन कर लेंगे, पीछे वाले पैर को उठाएंगे, राजकपोतासन, जंप अप, उत्कष्टासन, हस्तानासन, नमस्कार, अगेन, नमस्कार, हस्तानासन, उत्कष्टासन, पादहस्तासन, जंप बैक, चतुरंग दंडासन, कोबरा पोज, अधोमुखासन,
राइट लेग, वीरभद्रासन, आ जाएंगे पार्श्वासन, राजकपोतासन, अर्धमसीनासन, एंड रिलीज। नमस्कार, अगेन नमस्कार, हस्तानासन, उत्कचासन, पादहस्तासन, चतुरंगदासन, भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट लेग, वीरभद्रासन, पाशकोणासन, राजकपोतासन, अर्धमसीनासन, रिलीज। जंप अप, उत्कशासन, हस्तानासन, नमस्कार, लेटेंगे हम, आंखें बंद, शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे, इनहेल एक्सहेल, एकदम शांत, किसी विचारों में ना उलझें, किसी विचारों के साथ ना जुड़ें, शरीर शांत तो मन भी शांत कर ले। मन में जो भी उथल पुथल चल रही थी उसको विराम पूर्ण लगा ले।
पूरी तरह से पूर्ण विराम। ना कोई विचार आए और ना कोई विचार जाए, सिर्फ हमारे शरीर पर जो धड़कने चल रही हैं, भिन्न भिन्न अंगों पर पूरा ध्यान उसी पे लगा दें। आपके पैर के पंजे पूरी तरह से वाइब्रेशन में इस समय है, महसूस करेंगे आप बंद आंखों से। जुड़ जाइए अपने शरीर के साथ, अपने मन को पूरी तरह से उन अंगों के साथ जोड़ दीजिए। जब भी हम किन्हीं दो चीजों से मिलते हैं तो वहां हमारा योग आरंभ हो जाता है। योग, दो चीजों का मिलना, हमारा शरीर और हमारा मन इस समय पूर्ण रूप से मिल रहा है। मेरा मन मेरे शरीर के साथ पूरी तरह से इधर से उधर, उधर से इधर चल रहा है, जैसे नलियां पूरी तरह से खुल चुकी हैं, जैसे मेरे पैरों में पूरी तरह से पावर भर रही है, जैसे मेरी कमर का दर्द पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, जैसे मेरे पूरे शरीर में हिलोर उठ रही हो उत्साह की, पूरी तरह से जैसे मैं सकारात्मकता के साथ बह रही हूं, बह रहा हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि पूरे विश्व में जितनी भी शक्तियां हैं इस समय मेरे शरीर के इर्द गिर्द मंडरा रही हैं। मैं अनुभव कर पा रही हूं कि मैं पूर्ण रूप से ईश्वरी शक्ति की पूरी तरह से घेरे में हूं। यह घेरा पूरी तरह से मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है हर बीमारियों से। मैं अनुभव कर पा रही हूं कि मेरे शरीर पर एक एक अंग जो दर्द में भरा हुआ था वह पूर्ण रूप से हल्का हो गया है। मेरा यह अनुभव पूर्ण रूप से मुझे पूरी तरह से ऊर्जा से भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है। मुझे सूरज की पूरी तरह से ऊष्मा मेरे शरीर में मानो जैसे पूरी तरह से समाती चली जा रही है। मेरे अंदर चंद्रमा जैसी ठंडक पूरे शरीर में समाती चली जा रही है। यह सूर्य और चंद्र का जो मिलाप है यह मेरे पूरे शरीर में बैलेंस बना रहा है। पूरी तरह से सूर्य और चंद्र पूरे दोनों नलियां मेरे शरीर में जैसे संतुलन में आ चुकी हैं। मेरे शरीर में पूरी तरह से जो भी मुझे चाहिए था वह सब प्राप्त हो चुका है। अब मुझे किसी भी चीज की कोई लालसा, कोई मनोप्रवलता नहीं बची है, कोई किसी भी तरह का कोई उत्साह पूरे जीवन में मुझे भरपूर मिल चुका है। अब बहुत अधिक पाने की इच्छा मुझे नहीं है। मैं अपने मानसिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सकने में सक्षम हो चुकी हूं। आवेग आवेश मुझे पूरी तरह से जैसे मेरे दूर चले गए हों, किसी भी तरह की मुझे पूरी तरह से जैसे वासनाएं मेरे बहुत दूर चली गई हों, किसी भी तरह का मुझे बहुत अधिक पाने की इच्छा नहीं है। एंड धीरे से करवट लेकर हम बैठेंगे, पूरी तरह से शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे, शरीर के पंजे को नीचे साइड, हाथ को ऊपर की साइड, पूरी तरह से हम अपने शरीर को बैलेंस करेंगे। कमर को थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊपर नीचे, थोड़ा सा क्या, पूरा एक मिनट कम से कम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
थोड़ा सा दाएं बाएं भी कर लेते हैं। थोड़ा सा घुटने एक साइड करता हूं, दूसरी साइड। आज पूरी तरह से आपकी जो अतिरिक्त चर्बी थाई में एकत्रित हो जाती है, बड़ी ढीट होती है, हिप्स बहुत ज़्यादा फैटी हैं और टमी वाला भाग बहुत ज़्यादा फैटी है और बहुत लाख उपाय कर लिया नहीं जा रहा है। उसका स्पेशल था आज की क्लास, जो कि हमारी थाई की चर्बी स्पेशल पूरी तरह से रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आपकी जो हिप्स हैं बहुत हैवी हैं और उनको ब्रेक करना है, हीट करना है बहुत तेज़, तो उसके लिए थोड़ा सा तो अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना पड़ेगा। और पेट की जो नाभि की जो निचले हिस्से की जो बैली फैट है वो नहीं जाती है, उसके लिए भी तो आज का जो सेशन था वो स्पेशल थाई, हिप और बैली फैट के लिए था। तो अगर आप करेंगे और इसको आप दोहराते रहेंगे तो वाकई आपके ये जो पार्ट है वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाएंगे। आप करके देखिए, आपका रिजल्ट आपके साथ आएगा, अनुभव आपका है, फिर हमारे साथ आप शेयर कीजिएगा। और अभी हम चलते हैं कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया के लिए पूरी तरह से आपको लगभग 10 मिनट तो देना ही देना है इन दिनों, और 5 मिनट आपको भस्त्रिका प्राणायाम देना है। घड़ी लगा लीजिए पास में चाहे तो, आप 10 मिनट कपालभाति क्रिया, 5 मिनट आप भस्त्रिका प्राणायाम और 7 मिनट आपको अनुलोम विलोम करना ही करना है। तो आपको ये बैलेंस करना है। आप रुक सकते हैं बीच बीच में कई बार, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई नहीं कर सकता है, मन भटकता है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, वापस ले आइए और अपने आप को दोहराइए कि मैं पूर्ण करके ही उठूंगा। इस तरह से संकल्प करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मन आपके साथ जुड़ जाएगा और जो भटकता हुआ मन है वो वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे कपालभाति क्रिया को, बारम्बार दोहराएंगे, कोई बात नहीं, एक साथ अगर नहीं होती है तो आप गिन के कीजिए और फिर उसके बाद बिना हिसाब के कीजिए। 10 मिनट लगा लीजिए, बिना हिसाब के कीजिए, आपने कितना किया ये मत सोचिए। श्वास बाहर निकालेंगे, पेट अंदर जाएगा, दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे अधिक से अधिक और फिर कपालभाति क्रिया करेंगे।
रिलैक्स, दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। एंड अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए श्वास गहरी लेकर जाना है और श्वास छोड़ते नीचे आ जाना है, श्वास भरते ऊपर जाना है और श्वास छोड़ते नीचे ले आना है। तो दोहराएंगे हम, आप दोहराते रहिएगा क्योंकि हमारे पास तो टाइम इतना नहीं रहेगा, बहुत कुछ करवाना होता है आपको, तो आप इसको बारंबार दोहराइए, बारंबार दोहराइए आपको जब तक लगता है कि आपको, और फिर इतना अच्छा लगने लग जाएगा, आप सोचेंगे कि वाह ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। आप प्राणायाम करेंगे तो वाकई आपको आनंद की अनुभूति होगी। प्राण है ही ऐसी चीज जो कि पूरी तरह से आपको उत्साह की पूरी तरह से हिलोड़ दे देते हैं। अभी हम चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं नासिका से श्वास अंदर भरेंगे, दाहिने से बाहर निकालेंगे, दाहिने से अंदर भरेंगे और बाएं से बाहर निकालेंगे। भरने के बाद आप रोक सकते हैं, दोनों नासिका बंद करते हुए रोक लीजिए। क्रम को पूरा करते हुए हाथ नीचे ले आएंगे, नमस्कार मुद्रा शांति प्रार्थना के लिए। आस्तो मा सदिगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा मृतम गमया।
अपनी हथेली को अच्छे से रब करेंगे, गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो, हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहे। ओम शांति 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 ओम। अपनी पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपनी इष्ट देवता गुरु देवता समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे, हम एक दूसरे से नमन करेंगे, अपने आसन को नमन करेंगे।